नमस्कार, दैनिक जागृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है किसान भाइयों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड अपनाएं, जानिए उसके महत्व क्या है, आवश्यकताएं क्या है, लाभ क्या है और अन्य प्रक्रियाएं क्या है, जिसको अंग्रेजी में सॉयल हेल्थ कार्ड भी कहते हैं। और कहा जाता है कि स्वस्थ दरा इससे खेत हरा भरा, क्योंकि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनेक उपयोगिताएं हैं जिनका वर्णन हम आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटी के आइकॉन को आप दबाना मत भूलिए। इससे आपको समय समय पर कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे, जिससे आप अपनी परेशानियों को कृषि में कम कर सकते हैं और अच्छी पैदावार अपनी फसल से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि वीडियो में उपलब्ध जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारे हौसले अफजाई के लिए आप हमारा वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और वीडियो शुरू से अंत तक आप अवश्य देखें, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती हैं, क्योंकि हम कोई भी प्रक्रिया वीडियो से काटते नहीं है, जैसा बोलते हैं वैसा ही अपलोड कर देते हैं। और यदि आपको बीच में कोई दिक्कत आती है या परेशानी होती है तो आप हमारी आधिकारिक वेबसाइट dainikjagriti.com पे आके भी इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसका URL हम प्रत्येक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देते हैं। तो आइए बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्यों अपनाएं। किसान भाइयों, हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी लगभग 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खेती पर निर्भर है, यानी कि देश का किसान 70% रोजगार वो देश में चला रहा है अपनी कृषि के माध्यम से, और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मुख्य भूमिका है। पीछे के अनुसार देश के कुछ सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 14-15% कृषि एवं संबंधित गतिविधियों से प्राप्त होता है। विश्व में देश की दो प्रमुख खाद्यान्न फसलें गेहूं और धान का उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि देश की कृषि योग्य भूमि लगातार कम होने के साथ साथ इसकी उर्वरा शक्ति भी कम होती जा रही है। और देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना एवं कम लागत में अधिकतम उत्पादन कर किसानों की आमदनी बढ़ाकर देश को प्रगतिशील बनाना कृषि वैज्ञानिकों का लक्ष्य है। यह अतुल्य सत्य है कि खेती सीधे तौर पर मिट्टी से जुड़ी हुई है तथा मिट्टी पर ही किसानों की उन्नति निर्भर करती है। कहते हैं स्वस्थ दरा खेत हरा। देश के कृषि विशेषज्ञ समूह ने यह पाया है कि किसानों में जानकारी के अभाव के कारण खेती में रासायनिक उर्वरकों और कृषि रसायनों का असंतुलित मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है, यानी किसानों तक ये बात नहीं पहुंचाई जा सकी है कि इनसे कौन से फायदे हैं और कौन से नुकसान है। इससे मिट्टी की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है एवं किसानों के फसल उत्पादन तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी सोच को लेकर ही भारत सरकार ने किसानों के कल्याण एवं फसल की उच्च उत्पादकता एवं गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए फरवरी 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉयल हेल्थ कार्ड योजना का शुभारंभ किया। यदि आप मिट्टी परीक्षण की जानकारी चाहते हैं तो हमने पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं, उसके बारे में आप वो सुनकर देखकर उसके बारे में जान सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पे आके यहाँ पे आप क्लिक करके और उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है। किसान भाइयों के लिए ये जानकारी अत्यंत आवश्यक है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी SHC एक प्रिंटेड रिपोर्ट है जिससे किसान अपने खेत की मृदा के स्वास्थ्य का आकलन कर सकते हैं। नंबर 2, प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच के पश्चात मृदा स्वास्थ्य कार्ड में 12 घटकों का उल्लेख किया जाता है, जैसे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मुख्य पोषक तत्व, सल्फर, गौण पोषक तत्व, जिंक, आयरन, मैगजीन, कॉपर, बोरान, सूक्ष्म तत्व तथा pH मान, विद्युत चालकता और कार्बन के संबंध में मृदा की स्थिति निहित होती है उस सॉयल हेल्थ कार्ड या मृदा स्वास्थ्य कार्ड में। मृदा की गुणवत्ता के अतिरिक्त पानी की गुणवत्ता तथा अन्य जैविक गुणों का भी किसान को
मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि मिट्टी लवणग्रस्त है तो उसमें सुधार के उपाय भी शामिल होंगे जो किसान को बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए अपनाने चाहिए। यानी ये सब उस कार्ड में होता है। किसान की जानकारी के लिए आपको कौन सी खाद प्रयोग में करनी चाहिए, आपके पानी की गुणवत्ता क्या है, आपकी मिट्टी की गुणवत्ता क्या है और उसके लिए क्या सुधार के उपाय हो सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी? किसान भाइयों, आमतौर पर देखा गया है कि अधिकतर किसान लगातार अपने खेत में एक ही फसल उगाने के बाद खाद डालकर सिंचाई करते हैं, लेकिन मिट्टी की गुणवत्ता की जांच में लापरवाही करते हैं। बार बार एक ही फसल लेने से मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। ऐसे में अगर किसानों को मिट्टी की सही जानकारी समय रहते हुए पता चल जाए तो वह फसल की अच्छी पैदावार ले सकता है। यही वजह है कि भारत सरकार द्वारा फरवरी 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई, यानी मिट्टी जांच योजना की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत सरकार ने मृदा की गुणवत्ता का अध्ययन करके मिट्टी की अच्छी फसल पाने किसानों को अच्छी फसल पाने में मदद करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की योजना बनाई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य मिट्टी परीक्षण के आधार पर मिट्टी के संतुलन तथा उसकी उर्वरता की को बढ़ावा देना, जिससे किसानों को कम कीमत में अधिक पैदावार मिल सके। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत अगले 3 साल में 14 करोड़ से अधिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है, जिसमें खेत की मिट्टी की गुणवत्ता एवं उपज की शक्ति के बारे में जानकारी किसान भाइयों को प्रदान की जाती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में किसान भाइयों, वह इस प्रकार है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना मतलब इन निम्नलिखित जो हम बताएंगे उसके प्रक्रिया के तहत होकर गुजरती है। जैसे नंबर एक, सबसे पहले किसानों के खेत से मिट्टी के नमूनों को इकट्ठा किया जाता है। नंबर दो, उसके बाद इन नमूनों का प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है, जहाँ विशेषज्ञों की मदद से इसकी जांच की जाती है। नंबर तीन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड में विशेषज्ञों द्वारा जांच के परिणाम का विश्लेषण किया जाता है। नंबर चार, विश्लेषण करने के बाद मिट्टी नमूने की ताकत एवं कमजोरी की सूची भी तैयार की जाती है। नंबर पांच, मृदा में अगर कुछ कमी हो तो विशेषज्ञों की मदद से सुझावों की एक सूची तैयार की जाती है उसके लिए। नंबर छह, इसके बाद किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड फॉर्मेट में पूरी जानकारी डाल दी जाती है, यानी जो सरकारी वेबसाइट है उसके उस फॉर्मेट में वो जानकारी डाल दी जाती है तथा यह कार्ड किसान को भी बांटा जाता है कि ताकि वो सीधे उसकी जानकारी प्राप्त कर सके। नंबर सात, इन ही कार्ड को सरकार की वेबसाइट पर डालकर किसानों के आधार कार्ड से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार किसान भाई सीधे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने आधार कार्ड के लिंक के आधार पर भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के लाभ क्या है किसान भाइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके लाभ क्या है कि हम इसका उपयोग क्यों करें। नंबर एक, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत प्रयोगशालाओं में 14.5 करोड़ किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच की जाती है। नंबर दो, किसानों के खेत की लवणीयता, क्षारीयता एवं अम्लीयता की पूरी जांच की जाती है, जिससे अगर मिट्टी में बदलाव हो रहे हैं तो किसानों को सूचना समय रहते हुए मिल जाए ताकि वह उसके कुछ उपाय खोज सके। नंबर तीन, मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों का स्तर मिट्टी के स्वास्थ्य को इंगित करता है। नंबर चार, मिट्टी की गुणवत्ता जांच के बाद किसान निर्णय लेने में सक्षम होंगे कि वह कौन सी फसल उगाए और उसे कितनी मात्रा में उर्वरक डालने से अच्छा उत्पादन एवं लाभ प्राप्त हो सके। नंबर छह है, इस योजना द्वारा मिट्टी की कमी की जानकारी भी किसान को दी जाएगी और वैज्ञानिक सुझावों के साथ इस कमी को दूर करके भरपूर फसल ले सकेंगे। नंबर छह है, प्रत्येक 3 वर्ष में एक खेत के लिए एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड मुहैया करवाया जाएगा। अब बात आती है मृदा स्वास्थ्य में कमी के कारण क्या है।
कृषि योग्य भूमि के गिरते स्वास्थ्य की समस्या से भारत ही नहीं पूरा विश्व डूब रहा है। इसी श्रृंखला में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया था, जिसमें मृदा के गिरते स्वास्थ्य पर सभी देशों ने जन जागृति और मृदा की उर्वरता तथा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के कारगर कदम उठाने का संकल्प लिया गया है। मृदा स्वास्थ्य में कमी के आमतौर पर ये कारण है। नंबर एक, रासायनिक उर्वरकों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे भूमि में पोषक तत्वों का न केवल संतुलन बिगड़ रहा है अपितु पर्यावरण को भी खासा नुकसान पहुंच रहा है। नंबर दो, मृदा में लगातार खेती होने और फसलों की आवश्यकता अनुसार खाद एवं उर्वरकों की संतुलितियां सिफारिशों के अनुसार प्रयोग न किया जाना। नंबर तीन, जैविक खाद के अभाव में मृदा में जैविक कार्बन का लगातार घटता स्तर है। नंबर चार, उर्वरकों का उचित समय पर विधि से प्रयोग न करने से उर्वरक उपयोग दक्षता का कम होना है। नंबर पांच, वर्षा एवं वायु में मृदा क्षरण के कारण पोषक तत्वों का धीरे धीरे हानि होना। नंबर छह, सघन खेती के प्रचलन से खेतों में एक साथ कई पोषक तत्वों की कमी होना, यानी लगातार खेती के कारण मिट्टी कमजोर होती जा रही है। नंबर सात, मृदा में गुण और सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग न होना। अब मृदा पीएच मान, स्वास्थ्य मृदा स्वास्थ्य कार्ड में अंकित पीएच मान मिट्टी की अम्लीयता व क्षारीयता को दर्शाता है। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण तथा पौधों के पोषक तत्वों की उपलब्धता भूमि के पीएच मान पर निर्भर करती है। इसके द्वारा भूमि में हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का परीक्षण किया जाता है। नंबर एक, यदि मृदा का पीएच मान 6.5 यानी 6.05 से कम हो तो मृदा अम्लीय होती है। अगर पीएच मान 6.5 से 8.2 के मध्य है तो भूमि सामान्य प्रकृति की मानी जाती है, यानी कि भूमि में अधिकांश पोषक तत्वों की उपलब्धता रहती है। अगर पीएच मान 6.5 से कम है या 8.2 से अधिक है तो पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता कम या ज्यादा आंकी जाती है, जिसका फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नंबर दो, मृदा का पीएच मान यानी 8.2 से अधिक होने पर क्षारीयता की समस्या कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है। ऐसे खेतों में परीक्षण आधारित जिप्सम डालने की सिफारिश की जाती है। मृदा जीर्णोद्वार के अंतर्गत गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, जिप्सम उपयोग, जीवाणु खाद से बीजोपचार और सूक्ष्म तत्वों का उपयोग आदि पर भी ध्यान देना होगा। यदि मृदा समस्याग्रस्त है तो इसके आधार पर भूमि प्रबंधन व सुधार की सिफारिश की जाती है। अब है कि क्यों करें, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग क्यों करें, ये इस प्रकार है। नंबर एक, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जांच के आधार पर हमेशा उचित मात्रा में उर्वरक का उपयोग करें। नंबर दो, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बरकरार रखने के लिए जैविक खाद का उपयोग आवश्यक है। नंबर तीन, उर्वरकों का पूर्ण लाभ पाने के लिए उर्वरक को छिड़कने की बजाय जड़ों के पास डालना चाहिए। नंबर चार, फास्फेटिक उर्वरकों का विवेकपूर्ण तथा प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करें, ताकि जड़ों या तनों का समुचित विकास हो तथा फसल समय पर पके। विशेष रूप से फलीदार फसलें जो कि मिट्टी के उपजाऊ बनाने के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग करती हैं। नंबर पांच, सहभागी जैविक गारंटी व्यवस्था PGS इंडिया प्रमाणीकरण अपनाने की इच्छुक किसान अपने आसपास के गांव में कम से कम 5 किसान का एक समूह बनाकर इसका पंजीकरण निकटतम जैविक खेती के क्षेत्रीय केंद्र में कराएं। किसान भाइयों, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप जैविक खेती कर रहे हैं तो आप जैविक गारंटी व्यवस्था के तहत आप पंजीकरण करवाइए। इससे अगर आप जैविक खेती के उत्पादन को बेचेंगे तो आपको अन्य उत्पादन के मुकाबले उसकी कीमत ज्यादा मिलेगी। क्यों पाएं, विभिन्न प्रकार की मिट्टी सुधार कार्यक्रम के तहत केंद्र और राज्य सरकारों से सहायता या अनुदान इसके लिए अपने जिला अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी या परियोजना निर्देशक से संपर्क आप कर सकते हैं। यदि आपकी भूमि खेती के योग्य नहीं है और आप उसमें सुधार करना चाहते हैं तो राज्य और केंद्र सरकारें इसके लिए कुछ अनुदान भी किसान भाइयों को देती हैं। उसका भी लाभ आप अपने नजदीकी कृषि अधिकारी या बागवानी अधिकारी या परियोजना निदेशक से मिलकर उठा सकते हैं। तो
मृदा सोयल हेल्थ कार्ड के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो में उपलब्ध जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो आप हमारा वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे हमें भी ऊर्जा मिलती रहेगी। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से अनुरोध है कि आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटी के आइकोन को आप दबाना मत भूलिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम एक और नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।